दिल्ली से हैं किशोर कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, मैं राकेश कुमार बोल रहा था दिल्ली से। जी राकेश कुमार, सर, जी मैम। अच्छा बताइए, सवाल कीजिए। हाँ मैम, मुझे ना थोड़ा ये प्रोटीन का दिक्कत है किडनी में ना। जी हाँ, तो मेरे प्रोटीन जाने से ना पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है। तो मेरा यूरिन में ना प्रोटीन बहुत ज्यादा जाता है। तो अभी भी मैंने सुबह मॉर्निंग में चेक करा तो 2+ प्रोटीन जा रहा है। एक नुस्खा बना लें, ये रोग अच्छा नहीं है, ये बहुत तकलीफ देता है। एक नुस्खा बना लें, एक दवा होती है जिसे हम लाजवंती कहते हैं, 100 ग्राम लाजवंती लें और 100 ग्राम अलसी खरीदें और इन दोनों को ग्राइंडर में बारीक कर लें, पीस लें। अब एक एक तो दवाएं और बताता हूँ, वो पीस के अलग रखना, ये पीस के अलग रखना। लाजवंती और अलसी आप पीस के अलग रखें, 100-100 ग्राम या 200-200 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें, क्योंकि कई महीने इलाज करना है। और एक आता है गौन चिलगोजा, ये भी आप 100 ग्राम खरीद के अलग रख लें, इसको पीस के भी अलग ही रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष नमक है, जो इसको भी अलग रखें। अब इस नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो आपने लाजवंती और अलसी को पाउडर बनाया है, ये आधा या 1 चम्मच लें, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून, और उसमें एक चुटकी गौन चिलगोजा, जो मैंने कहा ना कि इसे लेकर अलग रखें, और असली लें गौन चिलगोजा और नमक जैतून, असली लेना ज़रूरी है, नकली भी बहुत मिलते हैं। एक चुटकी गौन चिलगोजा 1 चम्मच इसमें मिला दें, अलसी और लाजवंती में, और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला लें, 1 गिलास में या 2 गिलास में, और इस पानी से ये दवा खानी है, दिन में 1 बार या 2 बार, खाने के बाद, खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं, और लगातार लें कम से कम 6-7 महीने, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।